Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the nomenclature of the our next topic. It is called alkoxy or ether. So, पिछले वीडियो में हमने अल्कोहल के नोमेनक्लेचर के बारे में देख लिया था कि अल्कोहल का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं. यहाँ पर हम ईथर के नोमेनक्लेचर अनदर फंक्शनल ग्रुप ईथर के बारे में देखेंगे कि इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं. राइट दोस्तों, तो आइए करते हैं हम. तो इसका जनरल फार्मूला जो होता है ईथर का, वो आर ओ आर होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप. ये है, ठीक है. तो जो ग्रुप इधर होगा, वही ग्रुप अगर इधर होगा तो सिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा. अगर दोनों तरफ अलग ईथर होंगे तो अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा. तो अगर दोनों तरफ सेम है तो एम अगर मान लीजिए तो ये हो जाएगा आपका सी एन एच टू एन प्लस वन और सी एन एच टू एन प्लस वन. अगर एम और एन दोनों बराबर हैं तो सिमेट्रिकल ईथर, अगर दोनों बराबर नहीं है तो असिमेट्रिकल ईथर. कोई बात नहीं, हम उसके अनुसार नोमेनक्लेचर कर लेंगे. फंक्शनल ग्रुप आपका सिर्फ ईथर का ये होता है, याद रखिएगा. ये दोनों अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं. तो ये बनता कैसे है, तो आप अल्काइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ओ आर ग्रुप ऐड कर दीजिए तो आपका वो ईथर बन जाता है. कह रहा है कि दीज आर डिराइव्ड फॉर्म्स ऑफ अल्केन बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम बाय अल्कोक्सी ग्रुप. देख रहे हैं ना, मीथेन जैसे सपोज करिए कि ये चार ग्रुप था, एक हमने हटा करके ओ आर लगा दिया. इस ग्रुप को हम पढ़ते हैं अल्कोक्सी ग्रुप. अल्कोक्सी ग्रुप दोस्तों, ये ऐसा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इससे हमें नोमेनक्लेचर में बहुत आसानी होगी समझने में. अगर हम समझ जाएंगे कि ये अल्कोक्सी ग्रुप है तो हम बहुत ही आसानी से फिर इसका नोमेनक्लेचर कर पाएंगे. जैसे ये हो जाएगा मिथॉक्सी, अगर सी एच थ्री है तो, अगर सी टू एच फाइव है तो ये हो जाएगा इथॉक्सी. उसी तरीके से प्रोपॉक्सी, अगर ओ सी थ्री एच सिक्स है तो, ठीक है ना, उस सिक्स नहीं सेवन, तो ये हो जाएगा प्रोपॉक्सी, है ना. एन एन ईथर मॉलिक्यूल टू अल्काइल रेडिकल्स आर लिंक्ड ऑन आइदर साइड ऑफ डाइवेलेंट ऑक्सीजन. याद रखिएगा, ऑक्सीजन यहाँ किस तरीके का है, डाइवेलेंट है, है ना. और सिंपल ईथर कहलाता है जब दोनों अल्काइल ग्रुप्स बराबर हों, और दोनों अल्काइल ग्रुप्स बराबर नहीं हों तो उसको मिक्सड ईथर भी कहते हैं, जिसे हम एसिमेट्रिकल ईथर कह रहे थे. राइट दोस्तों, तो आइए इसके हम नोमेनक्लेचर के बारे में देख लेते हैं. बहुत ही सिंपल सा बात है, क्षमा करिएगा. तो ये हो जाएगा आपका, अगर दोनों तरफ सेम है तो उसको हम कह देते हैं डाइमिथाइल, डाई अल्काइल ईथर. अगर दोनों तरफ आपका ये और ये सेम है तो इसका नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर क्या हो जाता है, डाई अल्किल ईथर. कॉमन नेम है ये, ठीक है ना. अगर मान लीजिए कि अगर कुछ इधर डिफरेंट हो गया तो फिर हम देखेंगे कि उसका फर्स्ट लेटर क्या है. जैसे अगर मान लीजिए कि इधर इथाइल ग्रुप है और इधर मिथाइल ग्रुप है, तो नोमेनक्लेचर में पहले हम, क्योंकि इथाइल में ई सबसे पहले आता है, मिथाइल एम बाद आता है, तो हम इसके कॉमन नोमेनक्लेचर की बात कर रहा हूँ मैं. तो इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा, ये सिंपल कॉमन नेम है इसका. लेकिन जब हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये वाला नाम चूज करेंगे हम, अल्कोक्सी वाला. तो ये है अल्कोक्सी ग्रुप, है ना, और इधर जो ग्रुप जुड़ेगा उसके अनुसार हम नोमेनक्लेचर करते जाएंगे. जैसे देखिए, ये है मिथाइल ग्रुप और ये क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप. याद करिए यहाँ पर R क्या है, सी एच थ्री, मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो मिथॉक्सी हो गया. तो ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन, मीथेन में क्या ऐड हो गया, मिथॉक्सी ग्रुप. तो इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या हो गया, मिथॉक्सी मीथेन. एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या है कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के जब ये ग्रुप जुड़ता है तब उसका, इस ग्रुप को हम कहते हैं अल्कोक्सी ग्रुप. तो नोमेनक्लेचर में हम इस वाले ग्रुप को अलग रखेंगे, एज ए सफिक्स के रूप में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं प्रीफिक्स के रूप में, क्षमा करिए, एज ए प्रीफिक्स के रूप में इसका इस्तेमाल होगा जो अल्कोक्सी है. तो देखिए यहाँ मिथॉक्सी ग्रुप है, आर की जगह क्या है, मिथाइल ग्रुप. अब कहेंगे सर ये हम इधर वाला भी ले लें, तो सेम चीज है, नो डाउट. जो सिंपल इथर होते हैं उनमें यही तो फायदा है आपको, कि आप किसी तरीके से किसी को भी दोनों साइड में से ले सकते हैं, एज ए प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका मिथॉक्सी ग्रुप और ये है मीथेन. तो इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या हो गया, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन.
इसको देखिए, ये कौन सा ग्रुप है? इथॉक्सी ग्रुप है। ये क्या है? इथेन। तो हो गया इसका इथॉक्सी इथेन, समझ रहे ना। और ये देखिए ये क्या है, ये है आपका इथॉक्सी ग्रुप, इधर क्या है? मीथेन। तो इसका क्या हो जाएगा? इथॉक्सी मीथेन। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो लास्ट वाला कंपाउंड था, ये कह रहा है कि इट मे बी नोटेड दैट द लास्ट कंपाउंड इज नॉट इथॉक्सी मीथेन बिकॉज एल्कॉक्सी ग्रुप इज टेकन विद लेजर नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर जब बड़ा या छोटा रहे तो हम किसको एज ए एल्कॉक्सी ग्रुप के रूप में लेंगे, दैट मीन्स कि प्रीफिक्स के रूप में किसका इस्तेमाल होगा। तो याद रखिएगा जो सबसे छोटा वाला चेन होगा अल्काइल ग्रुप का, याद रखिएगा स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप। तो देखिए इधर इथाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है ना। तो मिथाइल छोटा है ना, तो जो छोटा होगा ना एल्कॉक्सी ग्रुप उसके साथ जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन होगा, न कि इथॉक्सी मिथेन होगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मिथॉक्सी इथेन, मतलब कि एल्कॉक्सी ग्रुप इसके साथ लगेगा जो स्मॉलर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे, ठीक है, मतलब कार्बन एटम्स होगा, तो उसके साथ हम एल्कॉक्सी ग्रुप को लगाएंगे, एल्कॉक्सी प्रीफिक्स को ऐड करें। तो यही सिंपल सा आपका तरीका है ईथर या एल्कॉक्सी एल्केन को लिखने का आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। अब अगला टॉपिक भी हमारा बहुत ही छोटा है, अल्डिहाइड या एल्केनल्स इसको पढ़ते हैं, तो इसको भी हम देख ही लेते हैं। तो देखिए इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है CnH2n, CnH2n+1 CHO। हम लोग जानते हैं अगर मान लीजिए ये है आपका, ये होता है आपका, है ना। अगर मान लीजिए कि एक ही कार्बन है तो ये हो गया, तो इसका जो कॉमन नेम होता है ना जनरली हम अल्डिहाइड, जैसे मिथाइल अल्डिहाइड उसका स्पेशल नाम है, फॉर्मल्डिहाइड, जैसे इथाइल अल्डिहाइड को हम एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, उसी तरीके से प्रोपियोनल अल्डिहाइड, इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करते हैं, ये कॉमन नोमेनक्लेचर है। तो आपका फंक्शनल ग्रुप ए है दोस्तों, याद रखिएगा C=O। सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या लगेगा? अल लगेगा, याद रखिएगा एल्कोहल वाले में ऑल लगता है और अल्डिहाइड में अल लगता है, कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में, ठीक है ना। तो ये कब लगेगा? जब हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तब। तो और ये ऑबटेन कैसे होते हैं? तो कह रहा है कि दीज कंपाउंड्स आर ऑबटेन्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू द टर्मिनल कार्बन एटम इन ए अल्केन बाय एन अल्डिहाइड ग्रुप। तो मान लीजिए कि कोई ग्रुप है, तो इस ग्रुप में एक हाइड्रोजन को हटा करके आप यहां पर ये वाला ग्रुप ऐड कर दीजिए, सिंपल ये आपका हो जाता है एल्डिहाइड, ठीक है ना। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। कह रहा है कि फर्स्ट मेंबर इज हाफ, लेकिन पहला मेंबर एक्सेप्शन है, तो पहला मेंबर एक्सेप्शन ऑबटेंड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो पहले वाले में से क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, पहला वाला मेंबर एक्सेप्शन है, CHOH होता है सिंपली। तो पहले वाले नियम, पहले वाले मॉलिक्यूल्स पे ये नियम लागू नहीं होगा, हाँ इसके बाद जितने भी मेंबर्स आएंगे सब पे ये नियम लागू होगा आपका, ठीक है ना। चलिए तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या करेंगे, हम जो भी इंडिविजुअल एल्केन होगा ना, तो एल्केन में से हम ई को हटा देंगे और अल जोड़ देंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो हो जाएगा अल्केनल। जैसे देखिए मीथेन था, मीथेन में से ई हटा के ए जोड़ दिए तो क्या हो गया, मीथेनल, तो ये हो गया मिथेनल। ये दो कार्बन है ना तो इथेनल हो जाएगा, ये तीन कार्बन है तो प्रोपेनल हो जाएगा, ये चार कार्बन है ब्यूटेनल हो जाएगा। लेकिन आईयूपी जो कॉमन नोमेनक्लेचर होता है दोस्तों, इसका स्पेशल नाम है, इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, ये काफी चर्चित कंपाउंड्स है दोस्तों, इन सबका नाम आप कॉमन नेम, ऐसे कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जिनका कॉमन नेम आपको याद होना चाहिए, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है ना, प्रोपियोनल डिहाइड, एन ब्यूटाइल एल्डिहाइड, क्योंकि लास्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये है आपका कॉमन नेम, इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर अल्डिहाइड का कर सकते हैं। सिंपली यहां जो लिखा हुआ है अल्डिहाइड से लिखेंगे, एल्केन के बाद अल्डिहाइड जोड़ दीजिए,
जैसे यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में एल्केनॉल ई हटा करके एल जोड़ दीजिए, आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। बाकी अगर हम आगे की ओर पढ़ेंगे, जब इसमें कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह मॉलिक्यूल्स आएंगे तो वहाँ पर हम नोमेनक्लेचर सीख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो अगले वीडियो में हम अगले फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।